कोई रिसर्च नहीं, कोई कंसल्टेशन नहीं, कुछ नहीं। अब तो एक ऐसा दौर है कि ना नागरिकों से कोई चर्चा होती है, ना नागरिक संगठनों से कोई चर्चा होती है, बिल्स कंसल्टेटिव कमिटीज के पास नहीं भेजे जाते हैं। निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको इतना हल्का कर दिया गया है, माफ कीजिएगा, उसको बेच दिया गया। कंसल्टेंट्स तय करते हैं, ब्यूरोक्रेट नहीं तय करता, माफ कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई आईएएस आपकी नीति बना रहा है आपके लिए, आपके देश के लिए, तो गलत सोच रहे हैं। उस आईएएस पर भी कंसल्टेंट बैठा हुआ है, ठेकेदार, लॉबीज़, कंसल्टेंट्स, ये इस देश की नीति तय कर रहे हैं। ये तय कर रहे हैं कि फोर्टिफाइड राइस खाया जाएगा इस देश द्वारा, और ये सबसे ज्यादा 80 करोड़ लोगों को जो आप अनाज बांट रहे हो अलग अलग योजनाओं के तहत, मिड डे मील में भी यही राइस इस्तेमाल होता है, जहां जहां इस्तेमाल होता है। अभी पिछले दिनों रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट छापी है। हम और आप जानना चाहेंगे कि साहब प्रधानमंत्री के मन में क्यों आया ये? अचानक एक दिन उठे और कहा कि साहब अब फोर्टिफाइड राइस खाया जाएगा। नीति आयोग कुछ भी कहे, स्वास्थ्य की बाकी एजेंसियां कुछ भी कहें, कुछ नहीं, प्रधानमंत्री ने कह दिया, हो गया। तो इस सवाल का जवाब कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों सोचा और क्यों कहा, इसका जवाब आपको नेदरलैंड में मिलेगा। नेदरलैंड की एक कंपनी है रॉयल डीएसएम। रॉयल डीएसएम पिछले 1.5 साल में हिंदुस्तान में एक बड़ा प्लांट भी लगा चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान के राजा ने घोषित कर दिया कि फोर्टिफाइड राइस चलेगा, तो तुरंत हैदराबाद के पास एक प्लांट लग गया। 1800 करोड़ का यह बिजनेस है फोर्टिफाइड राइस का। अब रॉयल जीएसएम भारत सरकार के नीति निर्धारकों तक कैसे पहुंचा, यह बड़ा रोचक तथ्य है। ये उसी रास्ते से पहुंचा जिस रास्ते का मैं अभी जिक्र कर रहा था, कंसल्टेंट्स। मोदी सरकार को एलर्जी है एनजीओ से, ये तो हमने और आपने सबने देखा, लेकिन एलर्जी नहीं है कुछ एनजीओ से। ये इन कंसल्टेंट्स से या इन एनजीओ से कोई एलर्जी नहीं है जो जीएसएम, रॉयल डीएसएम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। 6 ऐसी संगठन, देयर आर 6 ऑर्गेनाइजेशंस विच आर आइदर पार्टनर्ड विथ रॉयल डीएसएम और फंडेड बाय रॉयल डीएसएम और देयर इज अ कोलैबोरेशन विथ रॉयल डीएसएम। ये 6 ऐसी संस्थाएं भारत के मंत्रालय के भीतर बैठकर, एक रिसोर्स सेंटर बनाया गया पीयूष गोयल जी की मंत्रालय द्वारा, उस रिसोर्स सेंटर के भीतर बैठकर यह नीति तय की कि फोर्टिफाइड राइस इस देश में अब मैंडेटरी होगा, वही बटेगा, वही बिकेगा।